तो भाई मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम देखने वाले हैं भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी, Z6 वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिलेगा। उसी के साथ में भाई अपना नया लॉन्च कर दिया Z8 सेलेक्ट वाला वेरिएंट हमारे सामने। क्यों भाई, जनरली होता था हमारा कुछ भाई खरीदते थे Z6, अब इसमें जो थे थोड़ा अपग्रेस करा देते थे, जैसे हमारा फॉग लैम्प हुआ, अलाउ व्हील, ये चीज़ डलवाने के बाद इसे टॉप वेरियंट जैसा बना लेते थे। बट उसी के साथ में कंपनी ने अपना खुद लॉन्च कर दिया Z8 सेलेक्ट वाला वेरियंट, जो भाई करोल बाग में लोग बाग काम कराते थे, ऐसे इसमें फॉग लैम्प नहीं आता, तो भाई वो फॉग लैम्प इसमें डलवा लेते थे और हमारा बनाकर बोले टॉप वेरिएंट है। ऐसा हमारा Z8 खड़ा है इधर, L बिल्कुल टॉप वेरिएंट, इससे ऊपर कोई भी इसका वेरिएंट नहीं आता। अब भाई आप इसकी प्रोफाइल चेक कर लो, फिर आप भाई Z8 सेलेक्ट की प्रोफाइल चेंज करो, सेम प्रोफाइल में यहाँ देखने मिल जाती है। दोनों गाड़ी मैंने इंडिकेटर भाई इग्निशन वगैरह सब ऑन कर रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप अगर लाइट का सेटअप चेक करो तो यार ऐसा टॉप वेरियंट में आता सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलेगा, प्रोजेक्टर मिलेगा, लो बीम हाई बीम आपको ऐसे मिलेगा। इधर बढ़ता हूँ तो इधर आप देखोगे पार्किंग लाइट नॉर्मल मिल जाएगी, यहाँ आपको हेलोजन इंडिकेटर मिलेगा, पूरा हेलोजन का सेटअप दे रखा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। बट यहाँ देखेंगे हम तो DRL भी हमें देखने नहीं मिल जाएगी, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में फॉग लैंप भी देखने नहीं मिलेगा। भाई प्राइस की बात करूँ दोनों गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ पड़ता हमें 1,58,000 का यहाँ डिफरेंस निकल जाता हमें महिंद्रा की तरफ से Z6 में और Z8 सेलेक्ट वाले वेरियंट में। भाई 1,58,000 आप करोल बाग में आके दे देते, बट यहाँ खुद महिंद्रा ने अपना कर दिया भाई, उससे ज़्यादा फीचर्स हमें मिल रहे हैं टॉप वेरिएंट जैसी। वाई वाई की देखने लिए लाइट का सेटअप भाई उधर देख लो, इधर धोरे से और दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम हमें यहाँ देखने लिए ओवरऑल मिलेगी। प्राइस की बात कर लेता हूँ, जो Z6 का प्राइस निकल कर आता है भाई 16,61,000 से 19,35,000 का हमें ऑन रोड पड़ जाता है अपने मुरादाबाद RTO से। यहीं पर भाई Z8 सेलेक्ट की अगर बात करता हूँ तो आपको मिलेगा 17,99,000 का एक शोरूम पड़ेगा भाई, 20,93,000 का हमें इसका ऑन रोड पड़ेगा भाई, 20,93,000 19,35,000 यानी 1,58,000 का दोनों गाड़ियों में डिफरेंस आ रहा है भाई। 1,58,000 आप लेके अगर इसे करोल बाग पहुंचेंगे तो भी ऐसे फीचर्स नहीं लग पाएंगे जो इसमें आपको देखने लिए ओवरऑल मिल रहे हैं। की बात करूं भाई दोनों गाड़ियों में हमें सीम की देखने लिए मिल जाती है, एक एक आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली मिलेगी, एक एक आपको दोनों में ही नॉर्मल देखने लिए ओवरऑल मिलती है। यहाँ भाई Z6 की अगर ग्रिल की बात करूँ तो आपको नॉर्मल मिलती है, सिल्वर के साथ में क्रोम में लोगो मिल जाता, उसी के साथ में अगर इधर बढ़ूँ भाई तो यहाँ पर आपको क्रोम का काम देखने लिए मिलता है, क्रोम में लोगो पूरा यहाँ क्रोम में ग्रिल दी गई है। जैसे भाई टॉप वेरिएंट की ओर बढ़ता हूँ भाई ये भी आपको दिखा दूँ, जैसी इसमें ग्रिल है सेम ग्रिल हमें यहाँ देखने लिए ओवरऑल दोनों गाड़ियों के अंदर मिल पा रही है। भाई महिंद्रा का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा देखने में, क्योंकि भाई इस सेगमेंट में कोई भी और गाड़ी हमें देखने लिए नहीं मिल पाएगी भाई। कुल 1,58,000 आपको ऊपर देने और जो करोल बाग का काम खुद यहाँ कंपनी हमें निकाल के दे रही है, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट फ्रंट में आपको इसमें भी देखने लिए मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है। बट भाई यहाँ पर आपको नोटिस हो रहे होंगे इसमें अलाउ व्हील डले हुए हैं, तो भाई ये भी हमारे एसेसरीज में डले हैं, जो इसमें नॉर्मल आते हैं हमारे स्टील रिम ही देखने लिए मिलते हैं, बट यहाँ पर किसी भाई ने इसमें डलवा रखे हैं। दोनों गाड़ियों में अलाउ देखो ये कंपनी दे रही है, ब्रिजस्टोन का टायर दे रही है। प्रोफाइल की बात करूं भाई, जो इसमें आपको यहाँ प्रोफाइल देखने के लिए इसमें मिल जाएगी, कहाँ गया भाई, प्रोफाइल इसमें मिलेगी आपको भाई, साइज प्रोफाइल का बताऊं 245/60R 17 इंच का मिल जाता है। अगर इसी के साथ मैं इधर पढ़ता हूँ इसमें भी आपको मिल जाता है भाई टायर अपोलो का, ये क्योंकि एसेसरीज में भाई इसमें भी 17/245/65 भाई चीज़ सेम है, बट यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक, यहाँ पे भाई चारों डिस्क ब्रेक आपको देखने लिए दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। इसमें भाई और चीज़ यहाँ पे स्किट प्लेट यहाँ पे और देखने लिए हमें मिल जाती है, फुल स्टेप दोनों गाड़ियों में सेम आते हैं। साइड मिरर के इंडिकेटर्स की बात करूँ ये हमारा सेलेक्ट वाले में चल रहा है, आप देखोगे इधर बात करूँ हमारा 6 में चल रहा है भाई। इसका जो कलर करा है कंपनी ने अपना ब्लू टाइप में करा, जैसा हमारा XUV700 आया था सेम कलर हमें इसमें देखने नहीं ओवरऑल मिल पा रहा है। दोनों गाड़ियों में आप ऊपर से देखो सनरूफ रूफ रेल सब चीजें सेम मिल जाती हैं भाई। एक चीज आपको मैं रियर में और लेके चलता हूँ वहां और दिखाता हूँ मैं क्या क्या देखने नहीं इसमें मिल पा रहा है। पहले भाई आप इधर से इसकी प्रोफाइल देख लो Z6 वाले की, साइड प्रोफाइल देखोगे कुछ हमें ऐसी मिल जाती है, Z8 सेलेक्ट में कुछ हमें ऐसी प्रोफाइल देखने नहीं मिल जाती है। आप देखोगे तो भाई इसकी प्रोफाइल काफी प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ जुड़ जाती है, एड्रेनोक्स वगैरह आपको यहीं देखने नहीं मिल जाते हैं, ओवरऑल एड्रेनोक्स भाई यहाँ मिल जाता है, यहाँ भी आपको इसमें एड्रेनोक्स मिल जाता है। रियल लाइट की अब दोनों गाड़ियों की मैं बात कर लेता हूँ, देखोगे पूरी आपको LED बेड यहाँ इंडिकेटर सिक्वेंशियल के साथ में मिल पा रहा है, जैसा हमारा टॉप वेरिएंट में था। इधर देखोगे नॉर्मल आपको हेलोजन इंडिकेटर देख पा रहा है, बट यहाँ पर आपको LED बेड लाइट है। बट भाई ये देखो प्रीमियम सेगमेंट, क्योंकि भाई Z8 सेलेक्ट के अंदर जो कंपनी ने अपने चेंजेस करी है, जैसे भाई टॉप वेरिएंट में लाइट आती है सेम हमें इसमें भी देखने लिए ओवरऑल मिल पा रही है। दोनों गाड़ियों की प्रोफाइल आपने देख, रियर से भाई स्पॉइलर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, यहाँ आपको रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, हाई स्पीड माउंट देखने नहीं मिलता है। उसी के साथ में भाई आपको इसमें कैमरा भी देखने नहीं मिल जाता है, जो हमारा Z8 सेलेक्ट वाला वेरिएंट है। उसी के साथ में अगर इधर पड़ते हैं तो भाई इसमें आपको कोई भी कैमरा वगैरह देखने के लिए हमारा नहीं मिलता, क्योंकि हमारा बेस में ही आता है Z6 वेरिएंट। अब भाई अंदर से और दिखाता हूँ मैं दोनों गाड़ियों में क्या चेंजेस कंपनी ने कर रखे हैं ओवरऑल। पहले भाई चलते हैं आपको Z6 के अंदर लेकर, उसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। अब
भाई जेड सिक्स के पास में आ गया हूँ। तो अब भाई अगर आप यहाँ चीज़ चेक करोगे तो डोर कुछ हमें ऐसा मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो कोई भी भाई यहाँ सॉफ्ट टच का मटेरियल कंपनी ने नहीं दिया है। आप देखोगे पूरा यहाँ पर आपको रब ब्लैक मिल पा रहा है, रब ब्लैक मिल पा रहा है। चारों विंडो पावर है, साइड मिरर आप एडजस्टेबल कर सकते हैं बट फोल्डेबल नहीं कर पा सकते इसमें। और नीचे बढ़ो स्पीकर यहाँ मिल जाता है, स्पेस जो है देखने के लिए ओवरऑल मिलता ही है। फुल स्टेप भाई इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, उधर आपको दिखाऊंगा क्या क्या मिल रहा है। सीट की बात करूँ हाइट के थ्रू एडजस्टेबल जो भी करना आप कर सकते हैं। मैटिंग वगैरह सब इसमें एसेसरीज के पार्ट में भाई डिलीवरी के लिए रेडी है। जिस भाई को भी लेनी है और वो वीडियो देख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, अभी मैंने आपको बोल दिया भाई। दो की ये पड़ी है गाड़ी की, डोर ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक हो जाता है। अब भाई इसका मीटर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा थोड़ा पहला वेरिएंट है ये आपका है भाई। देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला मीटर यहाँ देखने नहीं ओवरऑल मिल पा रहा है। 220 स्पीड 7000 इसका आरपीएम देखने नहीं मिल रहा है भाई। काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आती है चीज़। मैं आपको यही चीज़ हटा के दिखाता हूँ जब आप नोटिस करना भाई। ये देखो ये जो फील है भाई, ये एक मजा खड़ा करती है, वो यही फील खड़ा करती है। अब इसकी जो कंट्रोल्स हमें देखने नहीं मिलते हैं वो आपको यहीं मिल जाते हैं। आपको क्या क्या इसमें देखना है, ट्रिप ये देखनी है, ट्रिप भी देखनी है, जो भी देखना है आप यहीं से इसमें देख सकते हैं। इसको लगाते हैं क्योंकि जो भाई डिलीवरी रहेगा वही इस चीज़ का उधेड़ा जब भी उसका मजा आता है। यहाँ बात करूँ भाई पूरा आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, आप इसको म्यूजिक सिस्टम इसमें देखने नहीं मिल जाता है। इतना बड़ा साइज मिल जाता है बट ठीक है इस सेगमेंट में। और नीचे बढ़ोगे आपको स्टूडियो टू टोन में मिल जाता है, यानी दो नोबा ये हैं, दो ये हैं। मैनुअल एसी मिला, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें देखने के लिए हमें नहीं मिलता। जिप जैप मूव करके आपको यहीं इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन मिल जाता है, हजार लाइट आप ऑन ऑफ यहीं से इसमें कर सकते हैं। बाकी एयरबैग ऑन ऑफ जो भी करना हो आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ आपको फोन चार्ज करने के लिए मिल जाता है, यूएसबी का वगैरह कुछ मिलता। बाकी देखो भाई रिवर्स लगाया मैंने, रिवर्स लगा दिया बट कुछ नहीं है, बस पार्किंग सेंसर हमें देखने लिए यहाँ मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और उसी के साथ में इतना स्पेस आपको मिलता है भाई, ये चीज़ चेक करो कोई सॉफ्ट टच नहीं है यहाँ पे, कोई भी सॉफ्ट टच इसमें नहीं मिलेगा। जेड सिक्स वेरियंट अगर मैं बात करूँ जेड एट सेलेक्ट वाले में, वो आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या मिल रहा है यहाँ इसमें। ऐसा गड्ढा हमें देखने नहीं मिलता जो हमारा जेड एट एल होता है यहाँ पे, उसमें सोनी की बेजिंग वाली जाली आती है, उसमें सब वूफर भी होता है, उसकी कॉस्टिंग लगभग 10,000 की पड़ती है। ऑटो डिंग में आई आर वी हमें सन ग्लास होल्डर है भाई, सन रूफ इसमें आपको देखने लिए ओवरऑल मिल पा रहा है। सीट की बात करूँ नॉर्मल फाइबर में यहाँ सीट हमें देखने नहीं मिल पाएंगी, फाइबर के अंदर सीट है, मैंने आपको दिखा दिया था, सब फाइबर में सेवन सीटर एक एसयूवी आती ही है। अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ उसकी की उठाकर, उसमें चलता हूँ मैं आपको, उसमें क्या क्या देखने नहीं ओवरऑल मिलेगा भाई। जैसे उतरते हैं गाड़ी से बाहर उधर में लेके चलूँ आपको, आप खुद कहोगे कहाँ जेड एट सेलेक्ट जो वेरियंट कंपनी ने लॉन्च करा काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट हमें पड़ पा रहा है। चलते हैं भाई गाड़ी में उधर से अंदर लेकर आपको, गाड़ी अनलॉक है भाई। जैसी मैं गाड़ी में अंदर लेके चलूँ सबसे पहले आप यहाँ चीज़ चेक करो, इसमें भी हमारी जो है वेलकम प्लेट कंपनी ने लगा रखी है अपनी तरफ से भाई। बैठ गए गाड़ी में अंदर, इसको करते हैं बंद। यहाँ भाई अगर आप पूरा डैशबोर्ड इस गाड़ी का चेक करोगे सब भाई, देखो ये सॉफ्ट टच का मटेरियल जो वो यहाँ दिया गया। सीट की बात कर लो भाई सबसे पहले, तो वेरिएंट वाली सीट यहाँ देखने नहीं मिल रही है, जो हमारी जेड एट एल के अंदर सीट आती है सेम सीट हमें यहाँ देखने नहीं मिल रही है। पूरा आपको लेदर रैप के साथ में मिल रही है। की लगाता हूँ, इग्निशन और दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों गाड़ियों में इग्निशन खैर वो तो हमें सेम ही देखने नहीं है मिल जाता भाई। कुछ कैमरा हो तो नोटिस मत करना क्योंकि भाई उधर से जो है गाड़ी खड़ी है तो मैं जा नहीं पाया भाई। यहाँ देखो 220 स्पीड 7000 आरपीएम, मीटर भाई दोनों में सेम मिल पा रहा है बट जो अब जेट सिक्स में कंपनी ने चेंजेस करी है भाई, ये हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब कंपनी ने कर दिया अपना एमआईडी जो छोटा वाला आता है ना, जो हमारा जेट फोर के अंदर आता है वो सेम हमें कर दिया गया। ये चीज भाई पूरा आपको सेम मिल जा रहा है, यहाँ सेम मिल पा रहा है। साइड मिरर भाई ये चीज चेक करो, उसमें क्या था इसमें देखो पूरा पियानो ब्लैक है। यहाँ पर आपको टॉप वेरियंट जैसी वाइप देखने नहीं मिलेंगी, स्टेयरिंग टॉप वेरियंट जैसा मिलेगा बट यहाँ थोड़ा गड्ढा मिल जाता है। सन रूफ वगैरह इसमें मिलेगा, सन ग्लास होल्डर यहाँ मिल जाएगा, ऑटो डिंग में आईआरबी है। और इसमें चीज बढ़ गई है वो हमारी ये बढ़ गई है, रिवर्स का कैमरा वगैरह इसमें बढ़ गया है। बाकी यहाँ बात करूँ तो भाई इतना बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है स्कॉर्पियन की बेसिंग भाई, ये सॉफ्ट टच दिया गया। अब भाई एयर बैग भी इस गाड़ी में बढ़े हैं, दो आपको यहाँ मिल जाते हैं, इधर पिलर पर मिल जाते हैं, वहाँ मिल जाते हैं, सीट कवर पर मिलते हैं और तो और पीछे मिलते हैं। पूरी एक सेवन सीटर सेगमेंट में अपनी आई जाती है। यहाँ बात करोगे तो भाई ये चीज़ भी देखो, सॉफ्ट टच स्टिचिंग कितनी प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ कंपनी ने कर रखी है। यहाँ भी आपको देख लो सिल्वर का पॉइंट जो वो दे रखा है। स्टीयरिंग भाई जो रहता है हमारा टिल्क रहता है, टेलीस्कोप देखने नहीं मिलता। मैं आपको उधर ले चलता हूँ, उधर हमें इसमें क्या क्या देखने लिए उस गाड़ी में मिल जाता है। ठीक है, फुल स्टेप दोनों में मिलता है ये देखने नहीं भाई, ऐसा फुल स्टेप देखोगे तो काफी बाहर मिल जाता है बट जब हम डोर बंद कर देते हैं तो हमें छोटा सा फील होता है कि बहुत छोटा सा हमारा फुल स्टेप जो है देखने नहीं मिल पा रहा है कंपनी की तरफ से। अलाउ बिल भाई ऐसे कर रखे हैं कंपनी ने, इस डोर को करता हूँ बंद। अब मैं आपको उधर से इसमें लेके चलता हूँ। वाइपर जो है भाई दोनों गाड़ियों में सेम देखने नहीं मिलते हैं, प्रीमियम सेगमेंट वाले वाइपर जो इतनी बढ़िया इनकी क्वालिटी निकल कर आती है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की देखने के लिए हमें ओवरऑल मिल जाती है भाई। यहाँ कोई भी क्रोम का काम नहीं है, उधर आप देखोगे पूरी में क्रोम का काम है। प्रीमियम सेगमेंट भाई उसी चीज़ से जो है गाड़ी हमारी बन जाती है।
देखो भाई अभी दिखा गए हूँ पियानो ब्लैक है, इसमें आप देख लो नॉर्मल ही यहाँ देखने नहीं हमें मिल पा रहा है। स्टेयरिंग चलो दोनों गाड़ियों में सेम है, बाकी इंजन परफॉर्मेंस हर चीज़ सेम है, बस जो भी कॉस्मेटिक चेंज करी है कंपनी ने नॉर्मल से हमारी कॉस्मेटिक चेंज इसमें कर दी गई है, बाकी हर चीज़ जो है दोनों गाड़ियों में सेम देखने नहीं हमें मिल पा रही है महिंद्रा की तरफ से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट लगती है, तो आप वही परचेज जो है कर सकते हैं। तो कुछ ही तो भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।